दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आपकी फैमिली में से किसी सदस्य का मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और आप भूल गए हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है, टाइप करना है आधार। जैसे ही आप आधार सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको आधार कार्ड की वेबसाइट यानी कि UIDAI का लिंक दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है और आधार वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आधार सर्विसेज में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद नीचे जो भी मोबाइल नंबर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो सकता है वो मोबाइल नंबर नीचे एंटर करना है। नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज शो होगा। अगर आपका ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है वो आपके आधार रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, और अगर आपका ये मोबाइल नंबर आधार के रिकॉर्ड से मैच करेगा तो कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में आपको एक मैसेज शो होगा कि जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है वो वेरीफाइड है, यानी कि आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी अपडेटेड है। इसके अलावा अगर आपको ये याद ही नहीं है कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया था तो आपने कौन सा नंबर डाला भी था या नहीं डाला था, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको फिर से बैक जाना है और जाना है आधार सर्विसेज पर, और आपको पहले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना है, वेरीफाई एन आधार नंबर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिखाई जाएंगी, जैसे कि आपका एज बैंड, लोकेशन, और नीचे आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर के 3 डिजिट्स आपको दिखाए जाएंगे। इन 3 डिजिट की सहायता से आप जान सकेंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेटेड है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर के सामने अगर आपको ब्लैंक दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, यानी कि जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था तो उसमें आपने कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।